वेलकम विजन एंड प्लानिंग। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। एसबीआई क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट्स, इसकी वैकेंसी आ चुकी है। 8,653 वैकेंसीज देश के सबसे रेपुटेड बैंकों में से एक एसबीआई के लिए एक सुनहरा मौका है। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तैयार हो जाइए एग्जाम देने के लिए। नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट बातों कि मैं हल्की सी चर्चा करूंगा, डिटेल्स आप ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें आप देख लेंगे। इस एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी और एसबीआई पीओ का एग्जाम भी सामने है, उसके पैरेलल ये होना है, तो दोनों में तालमेल कैसे बैठाया जाए, क्या संभावनाएं, क्या दोनों के एग्जाम पैटर्न में अंतर है, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इन सब पर बात होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह, अमर सर अन एकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। जिस तरह से एसबीआई पीओ के प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम में दोनों में न ही सेक्शनल कट ऑफ है और न ही ओवरऑल कट ऑफ, लगभग वो स्थिति एसबीआई जूनियर एसोसिएट यानी क्लर्क के लिए भी है। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, न ही प्री एग्जाम में न ही मेन एग्जाम में, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ का जहां तक सवाल है, प्री एग्जाम में कोई ओवरऑल कट ऑफ नहीं है कि इतना परसेंट तो टोटल आपको लाना ही पड़ेगा, लेकिन मेन एग्जाम में है। ये डिफरेंस है, ये अंतर है एसबीआई पीओ में पीओ एग्जाम के साथ। एक बार पैटर्न देख लीजिए फिर बात करता हूं। 20 से 28 इयर्स के बीच एज होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, लेकिन 31 अगस्त 2019 तक पास हो जाना चाहिए। जो लोग अपियरिंग हैं उनका रिजल्ट इस डेट तक निकल जाना चाहिए। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न ये है, मेन का ये है, 100 क्वेश्चंस 20-20 मिनट्स के सेक्शनल टाइमिंग के साथ हैं, और ये टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स और 60 मिनट्स, ये आपका पेपर है प्री का। मेन का ये पैटर्न है जिसमें 190 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और सेक्शनल टाइमिंग तो सबों में है, प्री में भी मेन में भी। प्री एग्जाम में इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी देख करके ही लग रहा होगा कि एक सिंपल डिवीजन है, लेकिन ऐसा नहीं है, आता हूं। और मेन एग्जाम ये है, ये आप समझ गए, देख लिया आपने। अब हम लोग बात करते हैं एक और बात, उसके बाद स्ट्रैटेजी पर आ जाएंगे, पढ़ने के तरीके पर आ जाएंगे। इसमें लोकल लैंग्वेज मायने रखता है। जब आपका मेन एग्जाम हो जाएगा, इंटरव्यू तो होना नहीं है, तो ज्वाइनिंग और मेन एग्जाम के बीच में ही आपका वो लैंग्वेज टेस्ट होगा जिस स्टेट से आप अप्लाई करते हैं, और जो लैंग्वेज उस स्टेट का लैंग्वेज है। हाँ, 10th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में अगर वो लैंग्वेज आपके मार्कशीट में दिख रहा है कि आपने वो लैंग्वेज पढ़ा है, तब टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो बिना टेस्ट पास किए हुए जॉब नहीं होगा, और टेस्ट में अगर क्वालिफाई नहीं करते तो फिर अपॉइंटमेंट नहीं होगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है, कहने का मतलब स्टेट के का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। वैकेंसीज का जहां तक सवाल है, थोड़े बहुत अंतर के साथ हर स्टेट में वैकेंसी है, इसलिए अपने अपने स्टेट से ही अप्लाई करना चाहिए ताकि लैंग्वेज प्रॉब्लम ना आए, लैंग्वेज टेस्ट के बारे में ना सोचना पड़े। बस प्री दिया, मेन दिया, पास किया, मतलब ज्वाइनिंग, ये होना चाहिए। पढ़ें कैसे, स्ट्रैटेजी क्या हो, तो एसबीआई ने, एसबीआई क्लर्क ने लास्ट ईयर 2018 में सारे पैटर्न बदल दिए। देखने में कोर्स का तो एक बात यह भी है कि कोर्स लिखा ही नहीं है इस साल से, 2019 से एसबीआई ने शुरू किया है, न ही पीओ एग्जाम में न ही क्लरिकल एग्जाम में कोई कोर्स नहीं दिया हुआ है
कि इंग्लिश मतलब क्या, न्यूमेरिकल एबिलिटी माने क्या, रीजनिंग एबिलिटी मतलब क्या, या इस सब का मतलब क्या है, क्या पढ़ना है। जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें उसके बारे में डिटेल लिखा हुआ होता है। ये पहला एग्जाम है और पहली बार है कि कोर्स दिया ही नहीं है, यानी कोर्स क्या होगा। एक तरह से जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहे हैं वही मार्गदर्शन करेंगे और वही इशारा भी करेंगे कि क्या चेंजेस होंगे। इसकी शुरुआत 2018 में एसबीआई ने कर दी। इन जनरल हम लोग क्या मानते हैं, जैसे क्वांट लीजिए, मैथमेटिक्स का सेक्शन लीजिए, तो क्लरिकल वाले में ज्यादातर चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं इन जनरल, और पीओ के एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, कैसलेट्स, सफिशियंसी, मिसलेनियस इनइक्वालिटी, डेटा इनइक्वालिटी, इस तरह के होते हैं। इवन प्री एग्जाम में, क्लरिकल एग्जाम में प्री और मेन में बंटवारा होता है। मेन एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन पर ज्यादा जोर रहता है, लेकिन चैप्टर भी के भी क्वेश्चंस होते हैं, अप्रोक्सीमेशन भी होता है, इसके अलावा डेटा सफिशियंसी और डेटा इनइक्वालिटी से लेकर के कैसलेट तक मेन एग्जाम में क्लर्क में होते रहे हैं। ये 2017 तक पैटर्न चला आ रहा था। 18 के एग्जाम में तो नजारा ही बदल गया, और यही इशारा करता है कि 19 में क्या होने वाला है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरह से क्वेश्चन आए। कभी किसी शिफ्ट में 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए, तो किसी में 10 आए, किसी में 5 आए तो अप्रोक्सीमेशन के 5 आ गए, एक डेटा इंटरप्रिटेशन रहा तो एक कैसलेट हो गया, किसी में मिसलेनियस इनइक्वालिटी हो गई, किसी में डेटा सफिशियंसी हो गई। कोई भी सेक्शन जो मेन एग्जाम में आता है, या क्वांट का कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं था जिससे एसबीआई क्लर्क के प्री एग्जाम में क्वेश्चन ना आया हो, और इसने इशारा कर दिया कि एसबीआई क्या चाहती है। हाँ, अंतर है, बात करता हूं। जहां तक टाइप ऑफ क्वेश्चन का सवाल है, एसबीआई का क्लर्क और पीओ दोनों को सब कुछ जानना चाहिए, ये एसबीआई चाहती है। हाँ, क्वेश्चंस के लेवल में अंतर है। डेटा सफिशियंसी पूछा गया प्री एग्जाम में, लेकिन वो उस तरह का क्वेश्चन नहीं था जो कि पीओ के क्वेश्चन में होता है, या फिर जो कि मेन के एग्जाम में होता है। समझने का प्रयास कीजिए, और यहीं से आपकी रणनीति बनती है। यानी अब ये बोलना बेकार है कि प्री में कौन सा सेक्शन आएगा और मेन में कौन सा सेक्शन आएगा। इवन जो आता रहा है उसमें भी बदलाव होगा, नए प्रयोग होंगे, नए तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा, हर नई चुनौती स्वीकार कीजिए, अपने पक्ष में मोड़ लीजिए, यही तो आपको करना है। कहने का मतलब यह है कि कोर्स पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप डीआई नहीं छोड़ सकते, कैसलेट नहीं छोड़ सकते, डेटा सफिशियंसी नहीं छोड़ सकते, डेटा इनइक्वालिटी नहीं छोड़ सकते, मिसलेनियस इनइक्वालिटी नहीं छोड़ सकते, मेन के नाम पर नहीं छोड़ सकते। जून में इसका एग्जाम होना है, प्री का एग्जाम, और 10 अगस्त को मेन एग्जाम दिया है, 20 जुलाई को मेन एग्जाम एसबीआई पीओ का है, जबकि जून के फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीक में उसका प्री एग्जाम चलेगा एसबीआई पीओ का। यानी एक तरह से पैरेलल चल रहा है, जून में दोनों का प्री एग्जाम है, मेन एग्जाम पीओ का पहले हो जा रहा है, और करीब 20 डेज का टाइम मिल रहा है आपको एसबीआई क्लर्क के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी स्टूडेंट जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देंगे, एसबीआई पीओ के एग्जाम में जरूर अपीयर होंगे। दोनों के एग्जाम में जो सिमिलैरिटी है, ये पॉजिटिव साइड है, ये उनको ले जाएगा सही डायरेक्शन में। एक बड़ी अच्छी स्थिति है, लगभग एक समय में एग्जाम हो रहे हैं, और कोशिश होनी चाहिए कि दोनों एग्जाम में सिलेक्शन हो, नहीं तो कम से कम एक में तो अवश्य हो। समझ गए? तो कहने का मतलब, मैं आता हूं सेक्शन भाई बात करता हूं। जहां तक प्री एग्जाम का सवाल है, आपको सबसे पहले मेन एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए। 2 मंथ्स का जो भी टाइम है, जैसा कि मैंने पीओ में बताया था,
पहला वन मंथ, अभी से जो फर्स्ट वन मंथ है आपको मेन एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, पर फिर प्री एग्जाम से पहले का यानी मई से लेकर के जून एग्जाम तक आपको प्री एग्जाम पर जोर देना चाहिए। तो अभी आपको मेन एग्जाम का पढ़ना है। जो जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस, वो प्री में तो आना नहीं है, मेन में आना है। अगर आप अभी से इसको पढ़ते रहते हैं तो एग्जाम में प्रेशर नहीं रहेगा। आप एक मंथली मैगजीन फॉलो कीजिए, आप एक पेपर फॉलो कीजिए जो नेशनल रिप्यूटेड पेपर है, इकोनॉमिकल हो तो और अच्छा है। एक नेशनल न्यूज चैनल देखिए, DD1 देखिए या आकाशवाणी देखिए या BBC देखिए। जो जहां रहते हैं, सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, उनके पास सब कुछ अवेलेबल नहीं है, तो जो अवेलेबल है वो भी कम नहीं होता, उसके आधार पर देखिए। इसके अलावा आपको जो पसंद आए, मैं तो आपको सलाह दे रहा हूं, आपको करना वो है जो आपको अच्छा लगे। मैं तो जस्ट ऑप्शंस दूंगा। जनरल इंग्लिश, इंग्लिश एक ऐसा ब्रांच है जिसका 2 दिनों में प्रिपरेशन नहीं होता। आप सभी लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके अलावा आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहा है अब तक का, उसमें हर स्टेज पर आपने इंग्लिश पढ़ा है, इसलिए इंग्लिश आपको आती नहीं है ऐसा नहीं है, आपको आती है, लगातार पढ़ते रहे हैं। कुछ वीकनेसेस हैं उसको आप दूर कीजिए, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट है, उसमें तो ज्यादा स्कोर करेंगे। कहने का मतलब यह है कि मेन एग्जाम के लिए आप अभी से पढ़ना जारी रखिए, इंग्लिश को भी। उसका वोकैब सेक्शन ठीक कीजिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ठीक कीजिए, उसके जो पैसेज हैं उसको पढ़ने का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका होना चाहिए, जिससे एग्जाम में ज्यादा समय नहीं लगे क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में। क्वांट का जहां तक सवाल है, कुछ चैप्टर जो मेन एग्जाम के ख्याल से इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मेन के ख्याल से अभी पढ़ लिया जाना चाहिए, वो प्री के ख्याल से भी काम आएगा। वो कौन से चैप्टर हैं? ठीक उसी तरह से जो PO के चैप्टर हैं। कहने का मतलब ये है कि टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, पोर्ट एंड स्ट्रीम, इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, क्वांट मैथ सेक्शन में इसको दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर थर्ड में परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। इसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये पढ़ेंगे। फिर पार्टनरशिप, एलिगेशन, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये सेक्शन कर लेने के बाद मेन एग्जाम का मूलभूत ढांचा तैयार हो जाएगा, और इन चैप्टर से प्री में भी क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद जब एग्जाम, प्री एग्जाम से पहले का वन मंथ आप प्री पर कंसंट्रेट करेंगे तो कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये समझ गए? जहां तक रीजनिंग का सवाल है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लीजिए, एक ऑथेंटिक बुक लीजिए, और दोनों के साथ आप कंसेप्ट के साथ आगे चले जाएं। रीजनिंग तो वो है जो पढ़ते और सही ढंग से समझते ही आपके दिमाग में बैठेगा। रीजनिंग का संबंध सीधा दिमाग से है, मैथमेटिक्स से भी ज्यादा, इसीलिए तो रीजनिंग है। उसके साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी है। ठीक है, मेन के लिए स्पेशल जो रणनीति होगी वो प्री एग्जाम के बाद में बनाऊंगा कि कैसे कैसे कहां कंसंट्रेट करना है। अभी मेन एग्जाम में क्या पढ़ना है ये मैंने बात कर ली। प्री एग्जाम ऐसा नहीं है कि मेन का अभी पढ़ना है तो प्री का छोड़ देना है। 70% वेटेज आपका मेन एग्जाम पर रहेगा अभी से लेकर के वन मंथ तक का, जबकि 30% प्री का रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ तो कहीं नहीं है, प्री में ओवरऑल कट ऑफ भी नहीं है, लेकिन मेन में ओवरऑल कट ऑफ है। एक सर्टेन परसेंटेज आपको लाना पड़ेगा जो कि बोर्ड तय करेगा, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल टाइमिंग तो है, इतने इतने मिनट्स में आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए, किन्हीं कारणों से अगर किसी एक सेक्शन में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि ये मिनिमम मार्क्स आपने क्यों नहीं लाया। इसलिए हालांकि वो आपको एश्योर करने के लिए है कि किसी एक सेक्शन में थोड़ा कम भी आए तो चलेगा, पर आपको हर सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना है। मेरा ये जोर रहेगा, मेरे चैनल पर जोर रहेगा, मैं क्वांट पर जोर देता हूं, तो मैं तो चाहूंगा कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथ का सेक्शन है वो 35 में 35 की ओर आप जाएं। प्रेशर न लें, एक दो गलत हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पूरे 35 में 35 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट लें, और रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर करें। चूंकि सेक्शनल टाइमिंग है तो 20 मिनट्स इंग्लिश में तो देना ही पड़ेगा, वो टाइम किसी और को तो दे नहीं सकते, इसलिए उसमें कुछ न कुछ स्कोर अवश्य करें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करें, उनका प्रेशर इसमें कम हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है?
पढ़ने का अप्रोच क्या हो। जब एग्जाम सामने आते हैं तो बहुत सारी सलाह आपके सामने आती है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, इसमें भटकना नहीं है, तब दिक्कत हो जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, कुछ क्वेश्चन बना लेने से नहीं होगा। एक चैप्टर, उसका कॉन्सेप्ट चाहिए, और चैप्टर पर कॉन्सेप्ट होने के बाद ऑब्जेक्टिव वे चाहिए। एक पेज में लिखने का नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन मन में हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। दोनों का एक प्रॉपर तालमेल होना चाहिए, इस तालमेल के साथ आपको प्रिपरेशन करना है। मैथमेटिक्स कैसे पढ़े जाते हैं, मेरे वीडियोज आप देखते हैं, आपको पता है कि मैथमेटिक्स ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पढ़ने का अलग ही तरीका है। तो इस तरह से आप आगे बढ़िए, मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा। लाइव क्लासेस के साथ जो मेरे वीडियोज हैं वो एनफ हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। बस निराश मत होइए, इसको आप एक अवसर के रूप में देखिए कि 8653 वैकेंसीज आपके सामने है और पीओ की वैकेंसीज आपके सामने है, ये जॉब लेना है। और इसके बाद फिर आईबीपीएस और आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम्स भी होने हैं। सारे एग्जाम में आपको पास होना है। इसमें 50% का वेटिंग लिस्ट भी है, किसी कारण से कोई ज्वाइन नहीं करते तो बाद में उनको बुलाया जाता है, इसलिए ये भी एक अच्छी स्थिति है। तो बस तैयार हो जाइए पूरे मन के साथ, कहीं भी निराश नहीं होना है। ऑल द बेस्ट।